नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हेमंत कुमार शर्मा एक बार फिर नए ट्रिक्स के साथ आपके सामने आया हूँ। तो हमारी जो पिछले वीडियो में हमने बातें की थी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के बारे में, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली जो आकृति में बातें की थी वो सेम ऐसी आकृति थी, लेकिन इसमें ऊपर की रेखा नहीं खींची हुई थी। जो ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये रेखा नहीं थी। तो इस प्रकार की आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र था, जितनी संख्याएं लिखी हुई है उन संख्याओं को आप जोड़ दो। लेकिन अगर इस स्थिति में लाइन खींच दे, फिर क्या करें? तो इसमें क्या करना है, जितनी संख्याएं उनको जोड़ के अगर एक लाइन है तो दो से गुणा कर दो। एक लाइन है तो दो से गुणा कर दो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 = 10 × 2 = 20। इसी प्रकार इस आकृति में है, दो लाइनें खींची हुई है और पाँच तक संख्याएं लिखी हुई है, मतलब पाँच छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन लाइनें दो हैं। तो इन पहले इनको जोड़ा, 1, 2, 3, 4 और 5, इनका जोड़ा है 15, और इनको 3 से गुणा किया तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हुए? 45। इसमें 3 पूछे तो 4 से गुणा करना है। फिर ये आकृति बहुत बार पूछी जाती है। ये आकृति जो है, इसमें हम कौन सी ट्रिक्स काम में लेंगे देखते हैं। इस आकृति में सामान्यतः ये होता है कि हमें लेवल देखने पड़ते हैं, कितने लेवल बन रहे हैं। जैसे लेवल 1, 2, 3, 4 चार लेवल बन रहे हैं इसमें। चार लेवल बन रहे हैं मतलब चार स्तर बन रहे हैं त्रिभुजों के। जो एक बड़ा त्रिभुज है उसके अंदर अगर हम देखें तो चार स्तर बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इस स्थिति में कैसे करेंगे हम? हम पहले इनको क्रम से लिखेंगे, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, और फिर हम एक सीरीज लिखेंगे, 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6 और 6 में 4 जोड़ा 10। इस प्रकार हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे से एक छोड़ के एक संख्या पे गोला लगाना है। एक छोड़ के एक संख्या पे गोला लगाना है नीचे से। तो हम जैसे 10 नीचे से 10, 10 पे गोला नहीं लगाया, 6 पे लगाया, 3 पे नहीं लगाया, 1 पे लगाया। अभी जो कुल संख्या है इनको जोड़ दो, ये हुई 20। और अब इनमें जो संख्याएँ गोला लगाई हुई है उनको जोड़ दो, उनको पहले भी जोड़ा था और बाद में भी जोड़ना है। तो इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज हुए 27। कितने त्रिभुज हुए? 27। इसी प्रकार यह आकृति है, ये थोड़ी क्लिष्ट आकृति है। इसमें 5 लेवल बने हुए हैं। कितने लेवल बने हुए? 5। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 5 लेवल बने हुए हैं। तो वही ट्रिक्स काम करेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, और वही फिर इसके सामने जो संख्या लिखेंगे, 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10 और 10 में 5 जोड़ा 15। फिर नीचे से एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या पे गोला करना है। जैसे 15 पे नहीं किया, 10 पे, 6 पे नहीं किया, 3 पे कर लिया। अब इनका टोटल किया तो आया 35। कितना आया? 35। और 35 में जो संख्याएं गोला की हुई है उनको भी जोड़ना है, उनको पहले भी जोड़ा है और बाद में भी जोड़ना है। तो इस प्रकार इस आकृति में कितने त्रिभुज हुए? 48। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका और है। इस प्रकार की जो आकृति आती है, इस आकृति में याद करने का तरीका क्या है कि अगर 3 लेवल बन रहे हो, 3 लेवल बन रहे हो तो त्रिभुज होते हैं 13, 4 लेवल बन रहे हो तो त्रिभुज होते हैं 27, और अगर 5 लेवल बन रहे हो तो त्रिभुज होते हैं 48। इस प्रकार की आकृति के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको याद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस पर मैं एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी अच्छे ट्रिक्स अपलोड करता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।